बंद कर दिया, टोक दूंगी तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है शादी हमारी पूजा का, और पूजा के मतलब लड्डू एकदम मन में ऐसे फूट रहे हैं। चलो बाय ना पूजा। मन में लड्डू फूटा मन। अब मेहंदी दिखाना अपना, जा पूजा का मेहंदी तो कलर नहीं लाया है। पूजा तुम्हारा मेहंदी तो कलर नहीं आया है, तो बहुत दुख की बात है। नहीं, खुशी की बात है। सो गाइस, आज आपको मिलेगा पूरा शादी का ब्लॉग देखने के लिए। ब्राइडल कैसे तैयार हो रही है, क्या तैयार हुई है। एंड हाँ, लास्ट ब्लॉग में लोगों ने कहा था कि आपने चीजें दिखा दी। जी नहीं, जो हमने लिया है वो आपको हमने दिखाया ही नहीं है। अब आपको आज पता चलेगा कि हमने क्या लिया है, कैसे लिया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी नीचे कह रहे हैं पीतर ने उतारा। चलो उसका थोड़ा सा क्लिप आप लोग देख लो, कैसे होता है क्या होता है। सो हम जा रहे हैं कहाँ? अब हमारे यहाँ होने वाला है मेहंदी नहीं, हल्दी लगेगा पूजा को, तो हल्दी की रस्म करने। अब अभी उठाओ जो 5 बजे कौन उठा के लगा तो है जा ना हो तो 5 बजे उठा के आओ ना नानी। तो मेहंदी लग गया और हल्दी हमारे यहाँ रस्म होता है 5 बजे लड़की को लगाया जाता है, वो लग गया। अब हो रहा है कोहरावत का भात। हमारे यहाँ ये रस्म होती है, इसमें सारी कुंवारी लड़कियाँ जिसकी शादी है उसके साथ बैठ के खाती है। तो यहाँ सब लोग बैठे हैं। मैं मैरिड, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, धनवीर खाएगी। ए धनवीर, क्या खाने जा रही हो? पूछो मौसी के साथ कोहरावत का भात। शादी आपका भी फिर जल्दी हो जाएगा, आपको भी जल्दी हो जाएगा। धनवी, शादी होगा आपका जल्दी से। अब मेहंदी देख लो तो मौसी का देखो। ओहो, देख रही है कैसे हाथ उठा के देख रही है। एक दूसरे हाथ का भी, धनवी दूसरे हाथ का भी मेहंदी देख लो। ए धनवी, साड़ी वो कर देना मौसी का एकदम। रुको रुको रुको, ए दीदी बॉबी के जामुआ में। ये फोर वीडियो क्या मैंने वो करना है, इसमें जितना ले लो उसको पड़ता है ना। क्या ये कौन दुआ तो ले ले हवा हवा। बेटी माई उम्र हो जाए, बेटी सब ज्ञान हो जाए। शादी में ग्राम ही आ गया, धनवी बाबू जानू है।
नाम खूब इनका जा रहा है। रसगुल्ला, पोलू, मोलू, गोलू, पता ना का कर नाम था रहा है। मोलू छेना है, पुतुल है ना बाबू। दादी कह रही है पूजा, पूजा दादी कह रही है कितना नाचा तरु आज वैसे बाबूली का। मौसी ना कोई मेरी बेटी मेरा बिया में नहीं करना चाहिए। हाँ, इन नाचक पड़ी इनको रखी ना। हाँ, वो पूरा आके साथ दे ले बिया इधर। कहाँ के बाया? तेरा बिया में। जीरो, जीरो, जीरो ले ले, जीरो, 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 जीरो। आई, और आज आप क्या पहनोगे? उन लोगों को कुप्पे दुगे, नो को कुप्पे दुगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मामा चैनल। इस टाइम मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया क्योंकि मैं करूंगी शाम को मेकअप। अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवा के आऊंगी। अभी तक मेरा मेहंदी नहीं लगा, बाहर से लगवा के आऊंगी। तो ये है फ्लावर, इनसे देख सकते हो आप मेरी कितनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, बहुत लड़ाई थी। सुबह से मैं बच्चों को भेज रही थी, इनको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि क्या मंगा रहे हैं। और जो हमें चाहिए था वो नॉर्मली मार्केट में 20-30 रुपीस का मिलता था और ये एक रोज़ दे रहे थे 150 में। तो इसी चक्कर में मेरी इनकी लड़ाई हो गई कि मतलब ठीक है 10-5 रुपए इंसान थोड़ा सा ज़्यादा देता है बट इतना थोड़ी होता है। तो इसलिए मेरी इनसे खूब लड़ाई हो गई, तो यहीं मेरा मूड ऑफ हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरी जगह गए और वहाँ पे फिर से लड़ाई हो गई। मतलब ये आज का पूरा दिन ऐसा था ना कि इधर उधर लड़ाई ही हो जा रही थी मेरी। एंड मैंने मेहंदी नहीं लगवाया था तो सब बोल रहे थे कि मेहंदी लगवा लो, ऐसे शादीशुदा लोग शादी के टाइम पे हाथ ऐसे खाली नहीं छोड़ते। तो फिर मैं मेहंदी लगवा के ही 3 बजे में मेहंदी लगवाने गई थी एंड उसके बाद तैयार होने का जो टाइम था वो मिला। फिर मैं उसके बाद वेन्यू पे गई एंड उसके बाद तैयार। रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, पहले ही ब्लॉग में डाल देंगे और वहाँ स्टेज बनेगा। ले लो ले लो, ये कितना सुंदर लग रहा है। सो हम पहले ही आ गए, हम लोग आए हैं यहाँ पे लोकेशन भेजने के लिए। तो हमने सोचा कि देख लेते हैं क्या तैयारी चल रही है। तो अलग भाई है अभी तो लाइटिंग वाइटिंग होगी, बढ़िया लगेगा। टेंट भी अच्छा है। उधर चले खाना पीने के बाद। खाना पीने का क्या देखेंगे? इसी में मेरा मेहंदी सूख गया। नेपाल का नोट होगा। ले भाई, नेपाल का नोट है। ये अभी सारा कवर हो जाएगा है ना? हाँ, ये सारा कवर होगा। यहाँ से तो लोकेशन भेज दो सबके। गाइस मेहंदी मैं ऐसे मतलब काम कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिला मुझे मेहंदी लगवाने का। मतलब एक शादी घर होता है ना, और फिर चाची कभी कुछ के लिए मतलब बोल रही हैं बार बार, तो उन्हीं सा ये बाल यार मेरे यहाँ से ना खड़े ही रहते हैं। तो उसी सब में मेहंदी नहीं लगवा पाई, तो मैं लगा के। और मैं उसके लिए पूजा के लिए फ्लावर्स लेने गई थी जो जूड़े वगैरह में लगाते हैं। सुबह से कितने बच्चों को भेज दिया पर उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा लाना है क्या लाना है। तो मैं फाइनली चली गई एंड उसके बाद जा रहे थे तो भाई लोकेशन चाहिए था पति देव को और मेरी नंद को। तो मैंने सोचा कि चलो रास्ते में से यहाँ से लोकेशन ले लेते हैं एंड उन लोगों को शेयर कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर होगी शादी, बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया है चाचा वगैरह ने। तो अब चलते हैं घर और मिलवाते हैं ब्राइड का, देखते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। चलो
पहले तुम आगे देखने पहले आ जाती हो। मम्मा मिल गई यहीं पे। आप क्यों आई हो? तुम क्यों आई? मैं तो लोकेशन भेजने आई थी अन्नू बुआ को। पापा के नहीं चाचा के स्पेशल गेस्ट आ गए पापा। सो आज हमारे दूल्हे साहब का भी जन्मदिन है तो हम केक भी लेने गए थे। शाम को जाएंगे अब लेने के लिए। अभी देख के आए बट अभी कुछ समझ आया नहीं केक। तो फिर मैंने बोला यार देखो मेरे साथ ये है ना कि मेरे को किसी के लिए कुछ अच्छा उसको उसकी उस मतलब स्पेशल डे को स्पेशल बनाने में बहुत अच्छा लगता है। भले सामने वाला कुछ करे ना करे चाहे वो कोई भी हो मैं चाहती हूँ कि उसका स्पेशल डे स्पेशल बने। तो मैं वो बुके भी लेने गई थी बट यहाँ पे चीज़ें मुझे पता नहीं है तो बुके मुझे मिला नहीं। तो अब देखते हैं अगर मेरे वहाँ से पॉसिबल हो पाया तो मैं जीजू को बोलूँगी वो लेते हुए आ जाएंगे। एंड केक भी देखने गए तो केक पसंद नहीं आया तो उन्होंने बोला कि एक बार और आप थोड़ी देर में आ जाइएगा। सो हम थोड़ी देर में एक बार और जाएंगे एंड केक लेके आएंगे। 10 फरवरी को उनका बर्थडे भी है और उनकी शादी भी है तो उनके डे को स्पेशल बनाते हैं थोड़ा सा। और आप लोग को सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी तो ब्लॉग के साथ कनेक्ट रहिए एंड खूब सारा प्यार देते रहिए। चलो अब घर चलते हैं मेकअप कराती हूँ ना मैं ही रह जाऊँगी। मैंने ना ग्रीन कराया था बहुत प्यारा था। शिवम ने किया था मेरा तो। हाँ मैं बोल रही हूँ ना मैंने उनको देखा है कहीं शिवम के साथ में मैं फोटो थी ना शिवम की उनके साथ थी उनकी फोटो उसने तैयार किया था। ऐसे आजकल यही चल रहा है वो उस टाइम ट्रेंड था ग्रीन वाला। हाँ कल ही वो था ना तिलक तो मतलब एक ही दिन का टाइम मिला है सारी चीजों में। कल ही मेहंदी थी कल ही हल्दी थी। मैं पूजा का साथ दे रही हूँ मेकअप कराने में। जैसे मैंने तो कॉस्मेटोलॉजी भी पढ़ी हुई है ना तो उसमें अच्छा। तो होता है कि हल्दी को तो आजकल तो हमारे यहाँ फेस में उसको तो बिल्कुल टच नहीं किया। फेस में ना है ना पूजा हल्दी बिल्कुल टच नहीं किया फेस में क्योंकि वो थोड़ी बहुत रह जाती है फिर मेकअप आगे। और हमारे यहाँ की जो हल्दी होती है वो तो वैसे ही तेल में बनाई जाती है काली करने के लिए बहुत स्ट्रांग होती है कच्ची हल्दी। सो गाइस साथ के साथ कुछ ऐसे साथ के साथ मेरा लहंगा बाहर ही वहीं पे पड़ा है जहाँ पे पड़ा है। काम करो वहीं पे शूट कराओ ना जहाँ पे भी एक अच्छी सी वॉल क्या चीज़? कहीं नहीं यही वाला सब में ऐसे ही मिलेगा आपको वॉल कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा सो हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने ब्लाउज पहन लिया है और पूजा तैयार हो रही है। हम लोग जल्दी तैयार होकर अपना फ्री होना चाहते हैं ये तो बाद में गालियाँ पड़ती है। सिर्फ गाली देते हैं सब लोग कि अभी तक तैयार नहीं हुए ये नहीं हुए। पूजा का आधा मेकअप दिखाऊंगी तो पूरी चुड़ैल लग रही है पर दिखाऊंगी नहीं उसने पहले ही मुंह घुमा लिया। जब पूजा प्रॉपर तैयार हो जाएगी तब मैं प्रॉपर दिखाऊंगी और तब आप लोग बनाना कि पूजा कैसी लग रही है पूजा का लहंगा कैसे लग रहा है पूजा की ज्वेलरी कैसी लग रही है अगर ना पूजा दूल्हा ढूंढने में भी सही बात देखा पूजा ने आज तक ये बात बोली नहीं है देखो पर उन्होंने बोल दी देखा मुझे बताती क्या बताओगी पहले अच्छा निकलने दो अच्छा तो निकलेगा ही। और मैं पहन रही हूँ ये लहंगा जो मैं सूरत से लेके आई थी जब मैं अजमेरा फैशन गई थी तब लिया मैंने दूसरा लहंगा था बट नहीं पहन रही हूँ। रीजन ये था कि आप लोगों ने बोला था कि दी प्लीज थोड़ा सा इस बार वैसे रहना नहीं तो हमेशा ब्राइड चाहे कोई भाई कि मैं किसी का वो खराब नहीं करना चाहती इसलिए मैं खुद सिंपल रहना चाहती हूँ। मेकअप ज्यादा करवाऊंगी बट कपड़े थोड़ा सिंपल पहनूंगी मेरी तरफ से सिंपल है आपको हो सकता है ओवर लगे ये भी इसीलिए बंद कर दिया टोक दी तुम आप सुन ही नहीं रहे। एक बार इधर फेस करना पूजा आईज अच्छी लग रही है जब फेस इधर करो तो ही करके क्यों करते हो थोड़ा स्माइल के साथ करो के साथ करो तो अभी
मेकअप मेरा और पूजा का हो रहा था, कंप्लीट नहीं था इसलिए थोड़ा फेस अजीब लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा एंड लोगों को मैं जो बहुत सारे लोग ज्वेलरी लहंगे के लिए कुछ कुछ बोल रहे हैं उन लोगों को मैं बताऊंगी कि देखो कैमरे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कि अगर आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है तो आप अच्छे से अच्छे इंसान को अच्छा दिखा सकता है, गंदे से गंदे इंसान को गंदा अच्छा दिखा सकता है और अच्छे से अच्छे इंसान को गंदा दिखा सकता है। तो आप खुद देखो पूजा बहुत प्यारी लग रही थी एंड सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, क्या चीज़ कहाँ से लेती हो सब तो मैंने बताया। एंड एक और चीज़ मुझे लोगों को देना है जवाब, जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं,